हेलो दोस्तों, आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से जुड़ी खबरों में आप लोगों को पहले भी विभिन्न वीडियो से वहां की खबरों से अवगत करवाते रहते हैं और आज चयन बोर्ड पर 20वें दिन लगातार क्रमिक अनशन जारी है और अभी तक छात्रों के द्वारा जो भी अनशन किया जा रहा है, अध्यक्ष ने ना तो जो है इन छात्रों की समस्याओं को सुना और ना ही जो है वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन छात्र संयम से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन बना रहे हैं। और आप लोगों को बताए भी थे कि इन लोगों की दो मुख्य मांगें हैं और इनकी मांगों पर किसी प्रकार का कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। और आज यहाँ चयन बोर्ड पर बहुत से प्रतियोगी छात्र जुटे और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा आयोग, प्राथमिक शिक्षा आयोग, इन तीनों के मर्ज करने की बात पुनः उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाई है और यह एक तरह से इस एग्जाम प्रक्रिया को, परीक्षा प्रक्रिया को कुछ समय के लिए बाधित करना है, क्योंकि इससे पहले भी आयोग के मर्ज करने की बात उठाई गई थी और इसी बात को लेकर के लगभग एक साल तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन नहीं किया गया था। तो अगर इनके मर्ज करने की बात होती तो पहले भी मर्ज कर दिया गया होता, लेकिन इन्होंने नहीं मर्ज किया और फिर जब अधिशासन आ चुका है उसके बाद में पुनः चयन बोर्ड के मर्ज करने की बात हो रही है, तो इससे पता चलता है कि सरकार वाकई में जागरूक नहीं है या सरकार भर्तियां नहीं करना चाहती है। और पिछली बार एक लंबी लड़ाई लड़कर के चयन बोर्ड का गठन करवाया गया, इसमें बहुत से हमारे साथियों ने आंदोलन तक किया और वो एक लंबी लड़ाई थी। और अगर आप चाह रहे हैं कि पुनः हम लोग नए विज्ञापन को निकलवा सकें, नए रिजल्ट को निकाल सकें, तो आप लोगों को पहले भी बताए थे कि आपको चयन बोर्ड आना होगा, एक दबाव बनाना होगा। और आजकल तो लोग अपनी अवैध मांगों को अपने संख्या बल के आधार पर मनवा लेते हैं और हम लोगों की कोई भी अवैध मांग नहीं है। अभी आप लोग उदाहरण देखे होंगे, तदर्थ शिक्षक जिन्हें हाई कोर्ट के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जब चयन बोर्ड से कोई शिक्षक चयनित होकर के जाएगा तो उन्हें अपने पद से हटना पड़ेगा, और वे लोग भारी संख्या बल में यहाँ लखनऊ आए, मुख्यमंत्री का घेराव किए, शिक्षा मंत्री का घेराव किए और शिक्षा मंत्री से ये बात कहलवा के लिए कि आप लोगों का अधियाचन नहीं भेजा जाएगा। तो ये क्या है, ये लोग गलत तरीके से जो यहाँ विद्यालयों में जुड़े हुए हैं वो अपनी संख्या बल पर अपनी बात मनवा ले रहे हैं, तो हम लोग पूरी तरह से सही हैं, लेकिन हम लोगों की लापरवाही हमारे लिए खतरनाक होगी। यहाँ हम लोग चयन बोर्ड में देख रहे हैं कि 20वें दिन लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और आगे जो भी खबर होगी आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। आज बस इतना ही।